ये बेसिकली शिवसेना के युवा नेता आदित्य ठाकरे की कल्पना है। पहले तो मैं भी इसके खिलाफ था कि क्यों चाहिए नाइट लाइफ, लेकिन आप देखो नाइट लाइफ पूरी दुनिया में है। आप लंदन में जाओ नाइट लाइफ है, पेरिस में जाओ नाइट लाइफ है, किसी भी बड़े शहर में, बड़े यूरोप के शहर में जाओ नाइट लाइफ है। और मुझे अभी ऐसे लगता है आदित्य ठाकरे की जो भूमिका है वो मैंने पढ़ी, मैंने सुनी, मुझे लगता है कि इसके बारे में हमें नैतिकतावादी भूमिका नहीं लेनी चाहिए। अगर आप नाइट लाइफ शुरू करेंगे तो क्या होगा, लोग कहते हैं कि नहीं नहीं वहाँ लोग शराब पिएंगे, फिर पूरा समाज बिगड़ जाएगा। समाज बिगड़ता है या नहीं ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है, वो चिंता आरएसएस को करने दो। समाज क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ सोता है, क्या देखता है, ये चिंता संस्कृति रक्षक करते हैं, ये चिंता हम जैसे आगे देखने वाले और प्रोग्रेसिव लोगों को नहीं करनी चाहिए। अगर कोई शराब पीता है तो उसको नहीं पीनी चाहिए, ये तो समझना चाहिए कि शराब से नुकसान होता है, तो शराब पीना ही खराब है या सिगरेट पीना खराब है, लेकिन दुनिया शराब पीती है। हम लोगों ने देखा है गुजरात में शराबबंदी है कई सालों से गुजरात, क्योंकि ऐसे मानते थे कि गुजरात गांधी की भूमि है इसलिए वहाँ शराबबंदी है। लेकिन जब हम गुजरात में जाते हैं, जब मैं पहली बार गुजरात में गया 84 में बड़ौदा में गया था, और जब वो होटल में जो वहाँ का ये था हेल्पर था उसने मेरी बैग रखी और मुझे पूछा क्या साहब आपको और कुछ चाहिए, तो मेरे समझ में नहीं आया। फिर मैंने वो रिसेप्शन में पूछा ये ऐसे क्यों पूछ रहा था, तो उन्होंने कहा हाँ और कुछ का मतलब आपको शराब चाहिए क्या, यहाँ शराब बंदी है। तो पहला सवाल अगर आप गुजरात में जाते हैं, ये अभी ये गांधी की भूमि भी नहीं है, ये मोदी की भूमि हो गई। तो मुझे लगता है, मेरा ये मानना है कि शराबबंदी से कुछ नहीं होता। मैंने अण्णा हजारे के गांव में देखा है राळेगंज सिद्धी में कि वहां शराबबंदी थी, अण्णा ने की थी। गांव में शराबबंदी कुछ कारण होनी चाहिए ऐसा मुझे लगता है, लेकिन क्या होता है देखो, शराबबंदी थी राळेगंज सिद्धी में, रहने वाले कुछ गांव वाले दूसरे गांव में जाकर पीते थे और वहां जाकर पीकर आते थे। तो शराबबंदी कोई चीज बंद करने से कुछ नहीं होता। मोरारजी देसाई ने भी शराबबंदी की थी। और ये जो नाइट लाइफ है, बहुत सारे लोग इसका विरोध इसलिए करते हैं कि ये जो युवा लोग है वो शराब पिएंगे, लेकिन इसमें गवर्नमेंट शराब बेचने की रात को परमिशन नहीं देने वाली। आज जो एक्साइज डिपार्टमेंट का रिस्ट्रिक्शन है 11 बजे तक या 11:30 बजे तक जो भी है वही रिस्ट्रिक्शन रहने वाला है। तो अगर आप पूरी रात भर आपका होटल चालू रखो या आपका मॉल चालू रखो तो रात भर आप शराब नहीं बेच सकते, सरकार ये परमिशन नहीं देने वाली है। तो ये जो डर है पहली बात कि शराब पीकर लोग दंगा करेंगे फिर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम तैयार होगा, ये तो नहीं होगा मुझे लगता है, क्योंकि सरकार ने वो परमिशन ही नहीं दी है। और हम लोगों को जो लोग शराब पीते हैं इनको भी ये ट्रेनिंग देना चाहिए, मुझे लगता है हमारे भारतीय लोगों की को भी ये ट्रेनिंग देना चाहिए कि शराब कैसे पीनी चाहिए, अगर पीनी है तो। इनको पीनी नहीं उनका सवाल ही नहीं है, क्योंकि इतनी शराब पीते हैं कि रास्ते पर ही गिर जाते हैं। तो शराब पीने का भी एक, अगर आपको शराब पीनी है, आप लंदन से तुलना करते हैं, पेरिस से तुलना करते हैं, तो अगर आपको शराब पीनी है तो एडिक्ट होने की जरूरत नहीं है, इसमें तो शराब भी मिलने वाली नहीं है। मेरा सवाल तो नाइट लाइफ से था। फिर आदित्य ठाकरे का एक कहना सही है कि यहाँ एक नई इकोनॉमी तैयार होगी। देखो अभी रात में कोई व्यवहार नहीं होता, रात में कोई कुछ नहीं बेचता, दुकानें बंद रहती है, होटल्स बंद रहते हैं, तो अगर रात में खुला रहेगा तो कुछ लोग तो जाएंगे, तो नई इकोनॉमी तैयार होगी, कुछ नए लोगों को वहाँ नौकरियाँ मिलेंगी, ये अच्छी बात है। तो मुझे लगता है इसको विरोध करने की जरूरत नहीं है, ये इंटरनेशनल ट्रेंड है। मुंबई देश का फाइनेंशियल कैपिटल है तो मुंबई में होना चाहिए, और लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करना है ये पुलिस का काम है। तो अगर सरकार नाइट लाइफ को परमिशन देती है तो सरकार को ये भी देखना चाहिए कि पुलिस फोर्स की जो संख्या है वो भी बढ़ानी चाहिए, पुलिस को ये भी देखना चाहिए रात को कि कोई इस प्रकार का दंगा नहीं करता, पुलिस पर प्रेशर आएगा आप जो कह रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गए और सचमुच में मुंबई में नाइट लाइफ, देखो आप ये सोच रहे हैं ना, आपके दिमाग में जो विचार चल रहे हैं कि पूरी मुंबई रात भर खुली रहेगी, ऐसा नहीं होता। ये कुछ मॉल्स है, 25 मॉल हो गए जहाँ हायर मिडिल क्लास लोग जाते हैं, खाना खाते हैं,
खाना खाने में एक आदमी को 1,000 रुपये लगते हैं। इसमें तो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास वाले लोग नहीं जाने वाले। तो ये जो बड़े लोग जिस एरिया में रहते हैं, जैसे गोरेगांव को अभेरा मॉल है या यहाँ परेल में फिनिक्स मॉल है, इस ऐसे कुछ चंद मॉल जो है या मार्केट जो है, इनको परमिशन मिलेगी। तो इसमें बड़ा प्रेशर तो पुलिस पर आएगा नहीं। अगर पुलिस पर प्रेशर आएगा तो पुलिस को अपना जो बल है वो बढ़ाना चाहिए, पुलिस पर्सनल की संख्या जो है वो बढ़ानी चाहिए। ये मैं मानता हूँ कि अगर आप एक नया डिसीजन ले रहे हैं तो उस नए इकोनॉमी में आपको सेफगार्ड भी चाहिए। तो पुलिस अगर आपके सिक्योरिटी है तो पुलिस की संख्या भी बढ़नी चाहिए। और दूसरी बात क्या आपने कही? हाँ, परिवार में प्रॉब्लम होंगी। देखो, परिवार में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। मेरा बच्चा पूरे दिन काम करके रात को बच्चा आने, वो बच्चा नहीं है अभी, अभी यंगस्टर है 29 साल का, तो रात को 12 बजे बाहर जाता है। वो वहाँ शिवाजी पार्क जाकर वो वहाँ बैठते हैं, उसके कुछ फ्रेंड आते हैं, गप्पे लड़ाते हैं और रात को 2 बजे वापस आते हैं। तो अगर आप गार्डियन पालक है और आपका विश्वास है अपने बच्चे पर, तो आप उस पर शक नहीं करेंगे। अगर आपने ठीक तरह से संस्कार किए या संस्कार हुए हैं, तो अगर आपका बच्चा 3 बजे भी जाए, मानो मैं आपको पूछता हूँ कि अगर कोई धरना चालू है गेटवे ऑफ इंडिया पर NRC के खिलाफ, तो वहाँ तो आप जाएंगे रात को 3 बजे, रात को 2 बजे जाएंगे, कोई बच्चा जाएगा। अगर मेरा बच्चा है तो मैं भी कहूँगा हाँ आप अच्छे कॉज के लिए जा रहे हो, तो वो आपको चलता है। लेकिन लोगों ने लाइफ एंजॉय करना सीखा तो आपको चलता नहीं है। मुझे लगता है ये गलत है। और आप जो कहते हैं परिवार में डायलॉग नहीं होता, तो परिवार रात का समय परिवार में डायलॉग करने का समय नहीं है। रात को कौन परिवार में डायलॉग करता है? परिवार में भी सब लोग सोए हुए होते हैं। जनरली मुंबई में लोग 11-12 बजे सो जाते हैं, तो परिवार में डायलॉग होने की बात ही नहीं है। आपके घर में जो यंगस्टर है, एकाध बार 6 महीने में, क्योंकि उसमें 2,000-3,000-5,000 रुपये लगेंगे, इतने पैसे है मिडिल क्लास के पास कहाँ? जो 15,000 या 20,000 सैलरी लेता है उसके पास इतने पैसे नहीं है कि होटल में जाकर 5,000 रुपये खर्चा करो। ये तो हायर मिडिल क्लास और अमीर लोग ही जाएंगे। तो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इसमें नई इकोनॉमी तैयार होगी और इसमें नई नौकरियां तैयार होगी। शुक्रिया।